बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में शामिल करते हैं आज की एक अहम खबर। सल्तनत अमान में तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं। सल्तनत अमान ने तेल की नई दरियाफ्तों का ऐलान किया है, जो अगले 2 या 3 सालों में 50,000 से 1,00,000 बैरल के दरमियान पैदावार बढ़ाने में मावन साबित होंगी। तफसीलात के मुताबिक खलीजी रियासत सल्तनत अमान ने मुल्क में तेल के नए ज़खायर की दरियाफ्त का इंकशाफ किया है। अमान की तवानाई और मदनियात के वजीर डॉक्टर मोहम्मद बिन हामद अल रमेही ने ऐलान किया है। सल्तनत अमान में काम करने वाली तेल कंपनियों के ज़रिए नया तेल दरियाफ्त किया गया है, जो अगले 2 या 3 सालों में 50,000 से 1,00,000 बैरल के दरमियान पैदावार बढ़ाने में मामन साबित होगा। तवानाई और मदनियात के वजीर डॉक्टर मोहम्मद बिन हामद अल रमेही ने अमान न्यूज़ एजेंसी को तवानाई और मदनियात की वजारत की जानब से तलाश के शोबे को तरक्की देने की कोशिशों को जारी रखने की यकीन दहानी कराई है, ताकि अमान के खाम तेल की पैदावार बरकरार रहे या आने वाली मुद्दत के दौरान इसमें मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक इजाफा किया जा सके। अल रमेही ने मजीद कहा है कि सल्तनत के खाम तेल के ज़खायर इस वक्त 5.2 बिलियन बैरल हैं, जबकि गैस के ज़खायर तकरीबन 24 ट्रिलियन क्यूबिक फुट हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए क्वेत न्यूज़ सेंटर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।